नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर के टॉप 10 स्टॉक के बारे में। ये हम अपने रिसर्च के अनुसार आपको अभी के कंडीशन के अनुसार फार्मा सेक्टर के टॉप 10 स्टॉक्स बताएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको इंतज़ार करना है किस लेवल पर आपको इन्वेस्ट करना है और किस प्रकार इन्वेस्ट करना है, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं इस गिरते हुए मार्केट में कुछ अर्निंग करना और या चाहते हैं कि गिरते हुए मार्केट में कौन वैसे स्टॉक्स हैं जिसमें आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फार्मा सेक्टर के टॉप 10 स्टॉक। जैसा कि इस गिरते मार्केट में फार्मा सेक्टर बहुत ही अच्छा अभी कर रहा है, तो ऐसे में फार्मा सेक्टर के टॉप 10 स्टॉक्स आपको बताएंगे जो कि बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके चार्ट को भी दिखाएंगे और उस पर हम एनालिसिस भी करेंगे कि किस लेवल पर और किस प्राइस पर आपको बाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर जाइए और इन वीडियोस को देख करके आप स्टॉक मार्केट को सीखिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, जिस बिजनेस में ग्रोथ हो, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो चलिए इन वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक्स है वो है हमारा एबेटो इंडिया लिमिटेड। दोस्तों एबेटो इंडिया बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। आप देख सकते हैं कि ये इसका एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव 1 ईयर का चार्ट देख लीजिए। 1 ईयर में दिखाते हैं आपको कितना का रिटर्न दिया है। आप गिरते हुए मार्केट में सारे के सारे स्टॉक्स 50% निगेटिव रिटर्न, और ये स्टॉक देख लीजिए, ये स्टॉक्स आपको 148% का पॉजिटिव रिटर्न। आप देख सकते हैं इस स्टॉक में 148% का पॉजिटिव रिटर्न आपको दे रहा है 6 मई 2019 से 5 मई 2020 तक। देख सकते हैं बिल्कुल 1 ईयर, बिल्कुल एकदम राइट 1 ईयर में आपको 148% का रिटर्न। तो समझ सकते हैं आज के मार्केट में इतना का रिटर्न कौन सा स्टॉक्स दे रहा है, और वो भी एक लार्ज कैप स्टॉक्स है। देख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए इसका लॉन्ग टर्म में चार्ट कितना बेहतरीन चार्ट है। यहाँ पर देखिए ये कितना तेज़ी से आगे इसका प्राइस जो है मूवमेंट हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही तेज़ मूवमेंटम इस स्टॉक में आप देख सकते हैं। तो इसका जो अभी करेंट प्राइस है 18,310 रुपीज़। जैसे इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आज देखते हैं लास्ट ट्रेडिंग डे 114 रुपीज़ अप है इसका प्राइस। तो इसलिए आप इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि बेहतरीन हो, जो कि एकदम बेहतरीन रिटर्न देता हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। और इसका आप को हम दिखा देते हैं बैलेंस शीट। चलिए हम इसके बैलेंस शीट पर आपको लेकर चलते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा बैलेंस शीट है एबेटो इंडिया का। यहां पर देखिए जीरो डेप्ट, कोई डेप्ट नहीं है इस कंपनी के पास। यहां देख सकते हैं जीरो डेप्ट। तो एबेटो इंडिया लिमिटेड बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, लीडिंग स्टॉक्स है हमारा फार्मा सेक्टर का। देख सकते हैं एबेटो इंडिया, इसका हमने आपको नीचे ले गया, यहां पर डेप्ट भी दिखाया, जीरो डेप्ट है इस कंपनी के पास। तो अब आपको सोचना है कि आपको कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। वही दूसरा स्टॉक है हमारा सन फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड, करेंट प्राइस है 457 रुपीज़, और इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए। इसमें लगातार फार्मा जो है हमारा लगातार पिछले कई सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा था। देख सकते हैं 2015 से इसमें गिरावट देखने मिला था, और ये देख सकते हैं अपना बॉटम बनाने के बाद 338 रुपीज़ पर बनाने के बाद अभी इसमें ज़ोरदार तेज़ी देखने मिला है। देख सकते हैं वो ये 100 रुपीज़ से ज़्यादा का मोमेंटम इसमें देखने मिल चुका है पिछले जो हमारा ईयर टिल डेट से। आपको रिटर्न दिखाते हैं, देखिए ईयर टिल डेट से यहाँ पर ये अपना लो बनाया, देख सकते हैं मार्च में, और मार्च में लो बनाने के साथ पिछले एक महीने से इसमें ज़बरदस्त मोमेंटम देखा गया है। तो ये सारे स्टॉक्स जो है आगे भी इसमें मोमेंटम आपको मिल सकता है, क्योंकि अब फार्मा सेक्टर परफॉर्म करने लगा है, और जैसे इसका रिजल्ट आता है क्वार्टर वन का, उसमें देख सकते हैं कि जो कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है या जो कंपनियां कोरोना वायरस का जो ड्रग्स है उसे बनाती है या उसमें कोई भी वैसे ड्रग्स जो कि कोरोना वायरस के लिए इफेक्टिव हो, तो वैसी कंपनियां बहुत ही बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए आपको हर कंपनी पर नज़र रखनी है, हर न्यूज़ पर आपको नज़र रखनी है। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कौन सी कंपनियाँ जो है फार्मा सेक्टर की कंपनियाँ वो कोरोना वायरस का से जो रिलेटेड मेडिसिन है उसको लेकर आती है, वो बनाती है, तो आपको उन कंपनियों में ज़रूर
जरूर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उसके स्टॉक्स में आपको तेज मोमेंटम देखने मिलेगा और बहुत ही अच्छा चांस मिलेगा आपको अर्निंग करने का। तो ये देख सकते हैं फार्मा कंपनियों में जैसे इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे इसमें बहुत ही तेज मोमेंटम की संभावना हो सकती है। संभावना इसलिए व्यक्त करें क्योंकि जो कंपनियां ड्रग्स बनाएगी कोरोना वायरस को उसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा, तो इसलिए आपको लगातार नज़र बनाए रखना है। ये निफ्टी 50 में भी ये कंपनियां है जो सन फार्मास्यूटिकल्स है। अगला है हमारा इसका बैलेंस शीट, तो चलिए हम बैलेंस शीट पर दिखा लेते हैं इस कंपनियों के ऊपर कितना डेप्ट है, क्योंकि कंपनियों का डेप्ट मुक्त होना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि तब जो कंपनियां प्रॉफिट मेक करी वो उसके सारे के सारे मूवमेंटम के लिए ही मतलब उस स्टॉक में जो तेज मूवमेंटम होगा वो उसी के आधार पर आएगा, कि क्योंकि कंपनियाँ अगर कोई कर्ज नहीं है, कोई डेप्ट नहीं है, तो निश्चित है वो कंपनियां प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो देखते हैं यहाँ टोटल डेप्ट, तो इस कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा डेप्ट है, देखते हैं 5,850 करोड़। तो इस कंपनी के पास आपको डेप्ट ही नज़र रखना है कि कितना डेप्ट है कंपनियों के पास। तो चलते हैं अगले स्टॉक्स पे, अगला स्टॉक है हमारा सिप्ला, देखते हैं सिप्ला अभी करेंट प्राइस है 597 रुपीज़ और आज 14 रुपीज़ डाउन है और मैक्सिमम मेरे इसका 4 देखिए। लगातार ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई सालों से जो हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनी अंडर परफॉर्म है, तो वैसे में आप यहां से देखते हैं एक तेज मूवमेंटम, मतलब ये जो पिछले एक महीना में देख सकते हैं आप बहुत ही तेज मूवमेंटम 50% अप हो चुका है, 50% मात्र पिछले एक महीना में इसमें रिटर्न देखने मिला है। तो समझ सकते हैं सब कंपनियां कितनी अच्छी है, कितनी बेहतरीन है। वही हम इसके बात करें आपको किस प्राइस में बाय करना चाहिए, तो प्राइस सारे के सारे देख रहे हैं कि कंपनियां कई सालों से अंडर परफॉर्म है, तो सारे प्राइस रीजनेबल है फार्मास्यूटिकल कंपनियों का। बस ये कंपनियां आगे कैसे परफॉर्म करती है, आगे क्वार्टर में कैसा रिजल्ट पेश करती है और कोरोना वायरस से रिलेटेड कौन सब कंपनियां मेडिसिन लेकर आती है, वैक्सीन लेकर आती है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है तो और उन कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना है। तो देख सकते हैं सिप्ला का जो आपको इसका जो बैलेंस शीट है वो आपको दिखाते हैं कि कितना डेप्ट है इस कंपनी के ऊपर। तो चलिए हम इसके डेप्ट को देखते हैं, क्योंकि डेप्ट जो है बहुत मायने रखता है कंपनियों के आगे के परफॉर्मेंस के लिए। जो सन फार्मा था आपने देखा उस पर बहुत ज़्यादा डेप्ट था, वही जो एबेटो इंडिया था उस पर बिल्कुल भी डेप्ट नहीं था, तो इस कंपनी के ऊपर देख लीजिए बिल्कुल 0 डेप्ट देख सकते हैं, सिप्ला के ऊपर बिल्कुल 0 डेप्ट है। तो ऐसी कंपनियां जो कि डेप्ट फ्री हो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आगे का मोमेंटम उसी पर डिपेंड करता है उस कंपनियों का, जैसे प्रॉफिट करेगी तो वो शेयर होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा उन कंपनियों में आपको। अगला है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, देखते हैं कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, इसका अभी देखते हैं करेंट मार्केट प्राइस है 327 रुपीज़ और ये कंपनियां जो है देख सकते हैं मैक्सिमम गया था कितना 525 रुपीज़ और यहां लगातार 3 साल से अंडर परफॉर्म है फार्मा सेक्टर, और अब ये देख सकते हैं एक महीने में बहुत ही तेज मोमेंटम देखने मिला है और इस कंपनियों में देख सकते हैं अब 50% तेजी हो चुका है, 50% का तेजी। तो समझ सकते हैं आगे ये कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है, जैसे कोई भी कोरोना वायरस का ड्रग्स लेकर आता है फार्मास्यूटिकल कंपनियां, मेडिसिन कोई भी लेकर आता है जो कि उसके लिए बहुत ही कारगर हो, तो उसमें तेज मूवमेंटम देखने मिल सकता है। तो कैडिला हेल्थ केयर जैसे इसमें थोड़ा सा और करेक्शन आता है, आप इस प्राइस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे के जो आगे का क्वार्टर है और आगे का जो कोरोना वायरस का ड्रग्स है उसको ध्यान में रखते हुए कि कौन सी कंपनियां लेकर आती है, ऐसे अनुमान किया जा रहा है कि कैडिला हेल्थ केयर जो है वैक्सीन पे अपना रिसर्च कर रही है, तो हो सकता है ये आपके लिए बहुत ही इन्वेस्टिंग जो इस कंपनियों में बहुत ही प्रॉफिटेबल हो जाए। तो इन सारे बातों को ध्यान रखना है और साथ साथ न्यूज पे भी ध्यान रखना है कौन सी कंपनियां ड्रग्स लेके आती है, और इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि ये कंपनियां कितनी डेप्ट वाली है या डेप्ट फ्री कंपनियां है। तो ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए कि डेप्ट फ्री कंपनियां इन्वेस्ट करें तो हमें अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा उन कंपनियों में आगे चल करके। तो टोटल डेप्ट देख सकते हैं कैडिला हेल्थ केयर के ऊपर बहुत सारा डेप्ट है, 2,934 करोड़ का बहुत ही ह्यूज डेप्ट है इस कंपनी के पास देख सकते हैं। अगला है हमारा
अगला स्टॉक है हमारा लुपिन लिमिटेड। लुपिन लिमिटेड बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर में हम आपको रिटर्न दिखा रहे हैं कि अंडर परफॉर्म है कई सालों से। सारी के सारी कंपनियों एबेटो इंडिया को छोड़ दीजिए, फिर एक दो कंपनियां इन दो तीन कंपनियों को छोड़ दीजिए, सारे कंपनियां अंडर परफॉर्म था। तो यहां पर देख सकते हैं ये भी कंपनियां पिछले एक महीने में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो देख सकते हैं इस सारी कंपनियों में एक महीने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने मिला है। ये कंपनियां अभी 50% से अधिक मूव कर चुका है। तो समझ सकते हैं ये कंपनियां आपको आगे चल करके कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर ये कोरोना वायरस का वैक्सीन लाता है, ड्रग्स लाता है, या आगे बेहतर इसका रिजल्ट आता है क्वार्टर का। तो आप इन सारी कंपनियों पर ध्यान रख सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे आपको रिजनेबल प्राइस लगे। आप अपना भी थोड़ा रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले लें। और चलिए हम इसके बैलेंस शीट को दिखाते हैं, इन कंपनियों के ऊपर कितना का मतलब देनदारी है, कितना का डेब्ट है, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है हमारे लिए, क्योंकि आगे अच्छे वही कंपनी अच्छे डिविडेंड देगी, अच्छे मतलब प्रॉफिट अर्न करेगी, जिनके ऊपर जो है डेब्ट बिल्कुल भी नहीं हो। तो हम वैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिसके ऊपर डेब्ट नहीं हो। तो देख सकते हैं बिल्कुल जीरो डेब्ट है, 2.21 करोड़ कोई डेब्ट नहीं होता। जिस कंपनियों का कई हजार करोड़ में टर्न ओवर हो तो उसके पास 2 करोड़ का कोई डेब्ट नहीं होता, एक तरह से ये निग्लिजिबल डेब्ट है। तो समझ सकते हैं इन सारी कंपनियों बहुत ही बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है आगे चल करके, तो इसलिए आप इन सभी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगला है हमारा, अगला स्टॉक से हमारा पीफाइजर लिमिटेड। पीफाइजर देख सकते हैं इसका स्टॉक्स, इस स्टॉक इन जो पीफाइजर है इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कई कंपनियां अंडर परफॉर्म थी कई सालों से, लेकिन इस कंपनियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये देख सकते हैं पिछले 15 सालों में 1000% का रिटर्न दे चुका है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है पीफाइजर। इसका देखिए हम दिखाते हैं आपको बैलेंस शीट, इन कंपनियों के ऊपर कितना डेब्ट है, क्योंकि ये कंपनियों पे कोई फर्क नहीं पड़ा है जो हमारा जो पिछला जो रहा है, बहुत सारी कंपनी अंडर परफॉर्म रही है, लेकिन इन कंपनियों पर कोई परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ा है। तो चलिए डेप्ट देख लेते हैं, इन कंपनियों के पास भी निग्लिजिबल डेप्ट है। देख सकते हैं 2.50, ये 2.5 करोड़ का डेप्ट कुछ नहीं होता है। आप देखते हैं कि हजारों करोड़ का टर्न ओवर है, हजारों करोड़ का टर्न ओवर, तो उसके पास 2 करोड़ का डेप्ट कोई मायने नहीं रखता है। तो बहुत ही अच्छा कंपनियाँ हैं। इन कंपनियों में अगर आपको थोड़ा सा भी करेक्शन पे मिलता है, जैसे अभी 4989 रुपीज़ है, अगर 4000 के आसपास मिलता है आपको ये शेयर, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस प्राइस पर ना करें, क्योंकि ये प्राइस बहुत ही हाइयर है, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा मोमेंटम दे चुका है। तो ऐसे में इस प्राइस पर ना करें, क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन आता है तो फिर रिटेल इन्वेस्टर जो हताश होने लगते हैं, बहुत परेशान होने लगते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो निगेटिव होने जा रहा है। तो इसलिए आप इन स्टॉक्स में थोड़ा सा करेक्शन होने दें तभी इन्वेस्ट करें, नहीं तो और सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी दोस्तों फार्मा सेक्टर का लीडिंग स्टॉक में से एक, बहुत सारे आपने अच्छे अच्छे स्टॉक देखे, एबेटो इंडिया, पी फाइजर, रेड्डीज लिमिटेड भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। ये भी स्टॉक कई सालों से अंडर परफॉर्म था और अभी देख सकते हैं कि 2018 से ये फिर परफॉर्म करने लगा है और 100% का रिटर्न दे चुका है 2018 से। और अभी तो इसमें देख सकते हैं बहुत ही तेज मोमेंटम आया है पिछले एक महीने से, लगभग 50% का ये जो है रिटर्न दे चुका है पिछले एक महीने में। और इसीलिए आप इस स्टॉक्स में तभी इन्वेस्ट करें जैसे थोड़ा सा ये करेक्शन आता है, या आप अपना अगर रिसर्च करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज सलाह लेते हैं, अगर वो कहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी राय होगी आप इसमें थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है तब इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म कर चुका है। तो इसलिए थोड़ा सा करेक्शन आने दें तब जाकर के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसके बैलेंस शीट को देखते हैं कितना डेब्ट है कंपनी के पास। इस कंपनी के पास डेब्ट थोड़ा सा है 8,891 करोड़ और बहुत ही ज़्यादा डेब्ट को कम किया है। देखते हैं 2588 करोड़ का डेब्ट था जो कि बहुत ही कम किया है, 891 करोड़ पे आ चुका है डेब्ट। तो समझ सकते हैं ये कंपनी अभी लगातार अपने डेब्ट को कम करने में लगी हुई है। अभी जो हमारा लेटेस्ट बैलेंस शीट है वो नहीं आया है, जैसे कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है जैसे ही करेगी तो इसका न्यू बैलेंस शीट आ जाएगा, तो उसमें हम देख सकते हैं कि अपडेटेड बैलेंस शीट में कितना डेब्ट है। तो बहुत ही अच्छा है। अगला हमारा है डिवीज लेबोरेटरीज़।
देखते हैं डिविज लेबोरेटरीज, ये स्टॉक में कोई अंडर परफॉर्मेंस नहीं हुआ। देखते हैं पहले ये अंडर परफॉर्म रहा था एक सालों तक, और फिर ये 2017 से बहुत ही तेज मोमेंटम दे रहा है, और पिछले एक महीने में तो बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम इसमें देखने मिला है। तो डिविज लेबोरेटरी बहुत ही बेहतरीन स्टॉकों में से एक है। तो जैसे इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो आप जैसे करेक्शन आता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। तो बहुत सारे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसमें स्टॉक्स हैं आपको देखने मिल जाएंगे। कोई फार्मास्यूटिकल्स में है, कोई लेबोरेटरीज में है, तो बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स आपको फार्मा में मिलते हैं। तो आपका डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस होना चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च होना चाहिए कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, ये भी होना चाहिए। चलिए हम इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं। टोटल डेप्ट देख लीजिए, इस कंपनी के पास टोटल डेप्ट है 105 करोड़ डेप्ट है। तो ज़्यादा डेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी डेप्ट है इस कंपनी के पास 105 करोड़ डेप्ट है। तो डेप्ट बिल्कुल भी कम होना चाहिए कंपनी के पास, तो ज़्यादा बेहतर है। इनके पास थोड़ा सा डेप्ट है। तो अब आपको इसमें आपको निर्णय करना है कि इन सारी कंपनियों में कौन सी कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करनी है। अगला है हमारा अरबिंदो फार्मा लिमिटेड। देख सकते हैं अरबिंदो फार्मा भी कई सालों से अंडर परफॉर्म था। देख सकते हैं यहाँ से आप इसमें भी देखेंगे एक महीने से बहुत ही तेज मोमेंटम इसमें देखने मिला है। एक महीने में देख लीजिए बहुत ही तेज मोमेंटम। तो इसीलिए इन 10 स्टॉक में से आपको 2-3 स्टॉक आपको चूज करना है, लेकिन वो स्टॉक्स जो होना चाहिए कोरोना वायरस मेडिसिन से रिलेटेड होना चाहिए। जो कोरोना मेडिसिन का ड्रग्स लेकर आएगा, वैक्सीन लेकर आएगा, वैसे कंपनियों को सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपको लगातार अपडेट रहना है न्यूज़ से, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जैसे कोरोना वायरस से रिलेटेड वैक्सीन लेकर आता है जो कंपनी, हम आपको बताएंगे उस कंपनियों में आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशन बना सकते हैं, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बैलेंस शीट देख लेते हैं अरबिंदो फार्मा का, जो अरबिंदो फार्मास्यूटिकल्स है। तो हम ओल्ड फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ से। यहाँ देखते हैं टोटल डेप्थ अरबिंदो फार्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ है। देखते हैं 4519 करोड़, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो इस तरह के कुल 10 स्टॉक्स फार्मास्यूटिकल सेक्टर से हमने आपको बताया। 10 स्टॉक्स में आपको 2-3 बेहतरीन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और आगे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। और अगर पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो जो मेडिसिन लेकर आएगा कोरोना का, उन फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, मतलब 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, जो मोमेंटम होगा कोरोना मेडिसिन का, कोरोना वैक्सीन का, उसके बेनिफिट्स के लिए, मतलब उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप अपना भी रिसर्च करेंगे और हमारे चैनल से भी जुड़े रहिएगा। जैसे आता है हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब के बगल के बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।